अलीपुर पार्वती थाना प्रभारी प्रवीण जाधव ने जिला पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान के निर्देशन में तथा जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और चुनाव अहिरवार डीएसपी सीहोर स्थानीय अनुभागीय अधिकारी पुलिस मोहन सारवान के मार्गदर्शन में गठित की गई टीम के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सीहोर जिला में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक चिकित्सक सहित 5 पर मामला दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। स्थानीय अनुभागीय अधिकारी पुलिस मोहन सारवान ने जानकारी देते बताया कि गत दिवस अलीपुर पार्वती थाना प्रभारी श्री जाधव एवं उनके सह पुलिसकर्मियों की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों शैशपाल, जयदीप, राकेश राजपूत, नरेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, 4500 रुपये नकदी, एक स्कूटी जिसमें इंजेक्शन को छुपा कर रखा गया था व 3 मोबाइलों को जब्त किया गया है। पार्वती थाना पुलिस ने आरोपियों पर भादवी की धारा 269, 270, 420, 70, भादवी 53, 57 अपराधी महामारी अधिनियम के धारा 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 37, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट की धारा 13 के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस की जांच जारी है। ज्ञात रहे दिनांक 11 मई 2021 को नीमच कैंट पुलिस द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने तथा 28,000 में बेचने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर नीमच ले गई। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से नीमच पुलिस ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए गए। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन आपदा से पीड़ित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को कब तक रोक लगाने में सफलता अर्जित करता है। फैजुद्दीन, तहसील ब्यूरो आष्टा के साथ विशेष संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।